नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम में अगर मिथुन राशि को सफल होना है, मिथुन राशि का प्रेम अगर सफल होना है तो ऐसे कौन से सूत्र है जिस पर आपको काम करना है, या फिर ऐसे कौन सी बातें हैं वो बातें आपको ध्यान में लेनी है, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मिथुन जो राशि है बुध की राशि है, पुरुष राशि है, द्विस्वभाव की राशि है और इसका जो तत्व है वह वायु तत्व है। मिथुन राशि के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बहुत बोलने वाली ये राशि है और इनके इनके जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और ग्रास्पिंग पावर इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इनके मन में बहुत सारे प्रश्न, इनका जो यह नेचर है इसी की वजह से होता है, मतलब छोटी छोटी बातें क्यों है, कैसी है, क्या है, तो हर बात जानने के पीछे जो राशि वो पड़ जाती है। और जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह इनका जो नेचर वो देखा गया है, बहुत ही वैसे देखे जाए तो शांत स्वरूप होते हैं, बोलने में नहीं दिमाग से शांत स्वरूप होते हैं। और किसी भी बारे में, मतलब इनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्वार्थ इनमें कभी भी देखा नहीं जाता, मतलब कोई भी बात करनी है अगर इन्होंने कोई भी बात आपसे पूछ ली तो इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ उसके बारे में जो भी ज्ञान होता है, वो जो भी बातें होती है वो समझने के लिए ये जो राशि हमेशा प्रश्न पूछती है। और इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, मतलब ये राशि जो है ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकती, किसी ना किसी के साथ ये कम्युनिकेट करती रहेगी। अगर इनको कम्युनिकेशन नहीं पता या फिर कम्युनिकेशन के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला तो फिर आज कल के दिन में जो मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये खेलती रहेगी ये जो राशि है, मतलब ये जो सोशल साइट्स होते हैं, जो सोशल साइट्स उसके ऊपर या फिर जो भी, मतलब जिसके कि इनका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ बातों से घिरा रहे ऐसी इनकी बातें, क्योंकि इनकी जो नेचर उसी प्रकार की होती है कि इनको हमेशा कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, दिमाग के खाने के लिए बारे में बोल रहा हूँ। तो इसी वजह से इनके दिमाग में बहुत सारे विचार हमेशा चलते रहते हैं, बहुत सारे विचार मतलब प्लानिंग इनके पास बहुत सारे होते हैं। अगर आप इनके साथ बातचीत भी करने बैठो तो आपके लिए आपके सामने इतने ज़्यादा प्लानिंग रख देंगे और वो जो प्लानिंग है वो दिन ब दिन चेंज हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिनों का एक प्लानिंग होगा, 4-5 दिनों के बाद दूसरा होगा, तो ये बातें हमेशा चलती रहती है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इतने विचार हो तो नॉर्मली आपके जो प्लानिंग है वो चेंज होते रहते हैं, आप किसी विचारों पर मतलब स्थिर नहीं रहते। लेकिन इसके काफ़ी अच्छे भी गुण होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ग्रास्पिंग भी बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान इनका जो होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। फिर अगर रिलेशनशिप में है ये राशि तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए जैसे मैंने कहा कि इनका बोलने की जो ताकत होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है और हर कोई व्यक्ति इनका फ्रेंड जल्दी से बन जाता है या फिर इनको फ्रेंडशिप बनाने में बहुत मज़ा आता है या फिर इसमें, और ट्रस्टवर्दी राशि है, सामने वाले के ऊपर जल्दी से भरोसा कर देती है। तो अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपको कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो पहली बात, जो भी आपका नेचर है, जो भी आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुरूप आप हर किसी के साथ ज़्यादा बोलते हो। तो अगर आप किसी के साथ बोल रहे हो, अगर आप किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप जिनके रिलेशनशिप में हैं वो जो व्यक्ति है वो उसका कुछ गलत ही मतलब समझ में, वो गलत बातें उसके बारे में सोच लेगा। तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति वो हमेशा ये सोचेगा कि ठीक है आपका जो नेचर उसी तरह से बोलो, लेकिन बोलने की एक लिमिट होती है, एक मर्यादा में आप बोलोगे तो अच्छा होगा। यदि आप रात दिन उसी किसी और व्यक्ति के साथ बोलते रहोगे तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसको वो बात खल सकती है, उसको वो बात प्रॉब्लम में ला सकती है। दूसरी बात, आपके कई ज़्यादा मित्र परिवार होते हैं, बहुत ज़्यादा मित्र परिवार, मतलब आपका नेचर ही ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं पर आप जाओ तो स्थिर नहीं बैठ सकते, कि बोलने चलने का आपका जो ढंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा मित्र परिवार होते हैं। और वो जो मित्र परिवार, जैसे जैसे अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो और उसके बाद भी अगर आपके मित्र परिवार ज़्यादा बढ़ते गए तो भी जो सामने वाला व्यक्ति है, मतलब आपके जो रिलेशनशिप में है, उसको ये बात थोड़ी खल सकती है। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, मतलब
दूसरे के ऊपर जल्दी से विश्वास रख देते हो। तो यह बात है थोड़ी सी, देखिए यह जो मैंने कहा यह आपके नेचर है, लेकिन अगर आपको प्रेम में है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सोचना आवश्यक है। और अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो मैं जो बातें कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, आप दूसरे के ऊपर जल्दी से विश्वास रख देते हो। और जो दूसरे के ऊपर जल्दी से विश्वास रखने पर कभी कभी क्या होता है, जो सामने वाला है वो उसका गलत अर्थ निकालता है या फिर वो आपको चीट भी कर सकता है। तो यह जो बातें होती है, यह बातें भी आपके जो मतलब आपके जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनको यह बात खल सकती है। दूसरी बात, पैसों के मामले में भी, खर्च करने के मामले में आपकी जो, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो चॉइसेस होती है वह हमेशा बदलती रहती है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, खर्चे के ऊपर आपकी जो राशि ध्यान ज़्यादा नहीं देती तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और देर रात तक ये जो मतलब मोबाइल पर या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जो चैटिंग करते हो, वो चैटिंग अगर उन्होंने देख ली या फिर उनको पता चला कि उनके अलावा आप देर रात तक किसी और के साथ चैट कर रहे हो, तो यह भी बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि वो जो चैटिंग है वो किस प्रकार की है, कौन से, वो तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन आप ऑनलाइन हो, आप उनसे अलावा किसी और के साथ देर रात तक कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये बात आपके जो पार्टनर रहेंगे या फिर आप जिसके भी रिलेशनशिप में रहोगे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो कि बात आपके लिए मतलब सामान्य है, वह बात उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन से या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्हीं जो सभी बातें, इन सभी बातों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ऐसी बात करते हो तो कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो ये जो मैंने बात की तो ये बातें करीबन हर एक व्यक्ति को थोड़ी बहुत खल सकती है, लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, प्रेम में हो, तो प्रेम की एक सिंपल सी व्याख्या है कि जिसको भी आप प्रेम करते हो, जिसके भी प्रेम में हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है, सामने वाला व्यक्ति, उसे जो व्यक्ति वो जैसा है उसके सभी गुण अवगुण वह उसको लेकर ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा कभी नहीं कि आपको उसमें ये नहीं चाहते, दूसरी बात चाहते हो तो उसी प्रकार, तो वह अपने जो गुण अवगुण है वो दूर नहीं कर सकता, लेकिन आप मैंने अभी आपको जो कहा उसके ऊपर आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो। तो अगर जो सामने वाला व्यक्ति है उसे उसी प्रकार से अगर आप स्वीकार कर लो तो आपके जो प्रेम है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको लगते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो कुंडली है और आपके सामने वाले जो व्यक्ति है उसकी कुंडली, उनकी जो कुंडली है वो देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। और कुंडली देखने के बाद उसमें से कोई ना कोई तो हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के लिए प्रेम में अगर उनको सफलता मिलनी है, लानी है, तो उनके लिए कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।